हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे, देखो हमारे पास ये ट्रैक्टर है, महिंद्रा जीवो 245 TI है। इसमें आज हम खेत में हल जोत के दिखाएंगे आपको ये किस तरह से चलता है और कितना अच्छा से वर्क करता है। आप लोग देख सकते हो 7 फार का लगा हुआ है, इसमें हल है 7 फार। कल्टीवेटर जुताई कैसे करते हैं। मेरा एक ट्रैक्टर है महिंद्रा जीवो 245 TI है, तो इसको चला करके देखते हैं कैसा लगता है और कितना जल्दी खेत उतरता है, जोत पाते हैं कितना जल्दी, आप लोग को दिखाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। इतना बड़ा खेत को हम जोतेंगे जल्दी से। मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? देखो अब स्टार्ट कर लिया है, स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा से जुताई कर रहा है, ये जुताई हो रहा है। ये 2 कट्ठा का खेत है, इसमें ज़्यादातर टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा 2 कट्ठा खेत जुताई को। समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 कट्ठा खेत है तो 3 से 4 मिनट बहुत हो गया है। महिंद्रा जीवो 245 TI के लिए, क्योंकि ये बहुत फास्टिंग में चलता है, ज़्यादा अर्थिंग तो नहीं चलाते हैं, फिर भी 15-16-17 ऐसा ही चलता है। RPM ज़्यादा नहीं देते हैं, RPM ज़्यादा RPM देने से ज़्यादा तेल उठाता है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन तेल भी माइलेज इसका बहुत ज़बरदस्त है, माइलेज का जवाब नहीं है इसका। ये माइलेज में बहुत हार्ड, अभी आज देखो 26 कट्ठा खेत जोते हैं, 2 घंटा लगा हुआ है टोटल मेरा गाड़ी में। गाड़ी के मुकाबले यानी कि गाड़ी चल रहा था उसका समय देख करके बोले, 2 घंटा में 27 कट्ठा, 27.5 कट्ठा जोत लिए खेत। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा से चल रनिंग करता है, कितना स्पीड में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के पास पहुँचाइए, क्योंकि उसको भी लेना होगा तो आप उसको जाकर के एजेंसी में परचेज कर सकते हो। जिन भाइयों को लेना होगा वो इस वीडियो देख करके ले सकते हो, ये बहुत अच्छा से काम करता है। मैं तो हर एक काम करता हूँ इससे, जैसे कि आप लोग को पहले वीडियो में दिखाए थे कि गेहूँ रंबा कैसे चलते हैं, गेहूँ रंबा लगा करके दिखाए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मेरा चैनल पे जा करके देख सकते हो। देखो कितना अच्छे से रनिंग करता है, फुल फास्टिंग है ये। देखो जोत चुके हैं पूरा खेत, ये 2 कट्ठा को खोला था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिला लगा है, मिनिमम 4 मिनट लगा है। थोड़ा देर तो बंद ही था, आपको दिखाए थे, थोड़ा हम रिकॉर्डिंग करने लगे थे इसलिए बंद किए हुए थे। मुझे ये अकेला ही बनाना पड़ता है वीडियो भी और जोतना भी पड़ता है। मेरा वॉइस जो है अलग से दिया हुआ है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं वीडियो के अंदर आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छे से जुताई कर चुके हैं। आप लोग लेना चाहते हो ट्रैक्टर को तो ले सकते हो,
तो मेरा कंप्लीट हो गया है, ये खेत जोत चुके हैं। तो आप लोग देख ही चुके हो, 3 मिनट तो दो चौवन कट्ठा सेकेंड का में कोला में चार 2 कट्ठा दो खेत जोत लिया है। 3 मिनट 54 सेकंड लगा ये है दो कट्ठा टोटल, का कोला था, खेत था, ये आप देख सकते हो 3 मिनट 54 सेकंड कितना में जुताई जोत लिया किया है है। इसको। एक ही चास पे देखो इतना कितना हाई, अच्छा से चलता है इतना ये। माटी उखड़ा हुआ है, पूरा महिंद्रा फाड़ जी वो दसा दो करके देते पैंतालीस हैं टी हम। है, फोर व्हील भाई ड्राइव के किसी के साथ खेत है ये। में हम बेईमान नहीं करते आप लोग हैं, को इस वीडियो को ज्यादा बेईमानी से नहीं शेयर करते करना। हैं। जैसे अपना खेत आप जोतते लोग हैं वैसे दूसरे को भी खेत जोतते हैं हम। बहुत मेहनत से कड़ी धूप में बना रहे हैं वीडियो, कोई इंसान क्या करता आप है लोग को कि अगर बीच अच्छा में लगे जा तो करके वही लाइक फाड़ शेयर करना। कुछ थोड़ा उठा लेता है, मुने उठा पाते आप लोग हैं, देख सकते हो 2 कट्ठा क्योंकि खेत जाने जोत दो लिया है 3 मिनट 54 सेकंड में। सबको खेत को एक ही तरह से जोतना चाहिए, तो आज के लिए इतना ऐसा ही, नहीं है कि जैसे बीच में पिछले जा करके वीडियो में उठा तो देना चाहिए फार, इसका जानकारी बताए थे। ऐसे में सही नहीं होता है, अब आगे वीडियो देखो ऐसे में क्या कस्टमर टूट पे जाता कुटी है। पे आएगा, इसीलिए हम जो कि धान इस कूटने ट्रैक्टर का से बहुत काम फ़ायदा लेते बताए हैं, बत, आगे वीडियो में हम उसमें धान बताएंगे कैसे कूटते हैं से धनकुट्टी वो मशीन दिखाएंगे। कैसे चलाते हैं आज इस के पे। लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ओके। ओके बाय।